हेलो दोस्तों, स्वागत है डेल्फिन्स असम यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट सिलीगुड़ी टू ढाका और ढाका टू सिलीगुड़ी पैसेंजर ट्रेन सर्विस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पैसेंजर ट्रेन सर्विस के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, बने रहिए एकदम एंड तक इस वीडियो में, एकदम लास्ट तक इस वीडियो में एंगेज रहिए, तभी आप लोग को मालूम चलेगा कि ये इस मीटिंग में, यानी इस ट्रेन सर्विस के जो ये मीटिंग हुआ था, तो कितना दिन का मीटिंग हुआ था, तो इस मीटिंग में क्या क्या बात हुआ, और साथ ही दोस्तों ये कब से स्टार्ट होने वाला है, कि कौन से तारीख से पॉसिबिलिटीज बनता है ये ट्रेन सर्विस लॉन्च होने के लिए। तो दोस्तों, ये सब कुछ बातें मैं आप लोग को इस वीडियो में बोलूँगा अच्छे से। तो दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, शॉर्ट वीडियो ही है, आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। और उससे पहले दोस्तों, मैं आप लोग से एक हाथ जोड़ के आप लोग को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि दोस्तों, मेरा जो ये चैनल है 1K सब्सक्राइबर्स, जो कि आप लोग अभी ऑडियंस मेरे देख रहे हैं इस ये जो वीडियो है, तो दोस्तों थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए, क्योंकि दोस्तों मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा बात है इस चैनल को लेके, क्योंकि मेरा जो स्टार्टिंग है बहुत ही ज़्यादा दुख के साथ ये मैंने स्टार्ट किया था, बहुत ही ज़्यादा कठिनाई के साथ मैंने ये स्टार्ट किया था ये चैनल। तो कुछ एक्सपेक्टेशंस लेके मैंने चैनल स्टार्ट किया था, तो एक्सपेक्टेशंस मेरा मनी अर्न करना नहीं है, मेरा जो कि मेरा एम था कि मेरा 1K ऑडियंस कब होगा, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ये बिग, मतलब ज़्यादा बड़ा बात था मेरे लिए, क्योंकि 1K ऑडियंस सिर्फ मैं दूसरे यूट्यूबर्स को देखता था या दूसरा चैनल्स को देखता था कि ये चैनल तो मिलियंस में है, लाख में है ये सब्सक्राइबर क्राइटेरिया, तो तभी मुझे ऐसा लगा कि मैं क्यों नहीं कर सकता ये सब, मैं भी कर सकता हूँ। तो मेरे पास जो नॉलेज है, क्योंकि मेरा जो रेलवे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं जो रेलवे अपडेट्स है मैं ज़्यादा स्टडी करता हूँ, जो इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन है जो रेलवे का, मैं सब कुछ पहले से, ये जो चैनल जब स्टार्ट नहीं हुआ था तो तभी से मैं स्टडीज़ करने लगा था इस सब के बारे में। तो मुझे बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा रेलवे में इंटरेस्ट रहा है। और दोस्तों, इन फ्यूचर अगर आप लोग का प्यार और सपोर्ट हो तो मैं एग्ज़ाम भी दूंगा, जो रेलवे इंटरव्यूज़ होता है, तो ये सब मैं अटेम्प्ट करना चाहता हूँ, और इसके लिए मैं प्रिपेयर भी करूँगा भी इन फ्यूचर। तो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रहा मेरा बचपन से रेलवेज में, तो इसीलिए मैं सोचा कि अगर मुझे इंटरेस्ट है इस रेलवेज में, तो मेरे जैसे और कितने लोग होंगे जो कि रेल फैंस बोला जाता है इंग्लिश में, अगर आप लोग को मैं बोलूँ तो रेल फैंस जो कि बोला जाता है एक्चुअली, तो मेरे जैसे और रेल फैंस कितने होंगे, बहुत ही सारे होंगे एग्जैक्टली पूरे इंडिया में, तो मेरे जैसे तो और बहुत सारे लोग होंगे, तो क्यों ना इन लोगों को मैं अपने साथ एक जो कि अटैचमेंट हो मेरे साथ। तो उसके लिए एक ज़रिया था यूट्यूब, जो कि मैंने स्टार्ट किया 2019, यस दोस्तों, 2019 के 19 अगस्त में चैनल मैंने स्टार्ट किया था। तो उसके बाद ग्रेजुअली धीरे धीरे मेरा 2020 मार्च में 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुआ था, तो तभी मुझे लगा, तब मैं असमिस लैंग्वेज में ये स्टार्ट किया था मैंने वीडियो, मेरा जो कि मदर टंग है असमिस लैंग्वेज, तो उसी लैंग्वेज में मैंने स्टार्ट किया था ये चैनल। तो फिर मुझे लगा SMS लैंग्वेज होने से तो सिर्फ असम के लोग देखेंगे, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना सभी लोगों तक ये जो वीडियोज़ है, मेरा जो वीडियोज़ है सभी लोगों तक पहुंचाया जाए। तो दोस्तों, उसके लिए ज़रूरी था जो कि मेरा हिंदी स्पीकिंग, तो हिंदी स्पीकिंग को मैंने डेवलप करना स्टार्ट किया। फिर ग्रेजुअली जब मेरा हिंदी स्पीकिंग डेवलप होने लगा थोड़ा बहुत, तो दोस्तों तभी मैंने खुद को प्रिपेयर किया हिंदी लैंग्वेज में। फिर प्रिपेयर करने के साथ साथ एक दिन मैंने ऐसे ही वीडियो बनाया, फेस कैम वीडियो हिंदी लैंग्वेज में, तो उसके बाद उसमें अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं हिंदी में अभी बनाया जाए वीडियोस। तो SMS लैंग्वेज में भी है कुछ वीडियोस, मेरा पुराना वीडियोस, ज़्यादा वीडियोस नहीं है, हिंदी लैंग्वेज में ही ज़्यादा वीडियोस है अभी। तो फिर मैंने हिंदी लैंग्वेज में स्टार्ट किया, और हिंदी लैंग्वेज में आप लोग का इतना प्यार मिला, इतना सपोर्ट मिला, फिर लोग बहुत ज़्यादा आने लगे मेरे चैनल्स में, ज़्यादा एंगेजमेंट बढ़ने लगा मेरे चैनल्स में, सब्सक्राइब करने लगा, लाइक करने लगा, शेयर करने लगा, जो कि मेरा महीना में जो क्रिएटर्स मंथली बोल के यूट्यूब से एक अपडेट आता है हर एक क्रिएटर्स को आता है, तो मुझे तब मेरा कम्युनिटी रिस्पॉन्ड है बहुत ही अच्छा था, जो मेरा रिपोर्ट आता है हर महीने में, तो अच्छा लगा वो सब देख के। तो फिर दोस्तों मैं शुरू हो गया एकदम सीरियसली। तो दोस्तों, अभी आप लोग के साथ जो मैं अभी इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्टीज़ को फेस करके मैं अभी आप लोग के सामने इतना, मतलब एक क्या बोलूँ मैं आप लोग को, कुछ भी मेरा शब्द नहीं बोलने को, पर फिर भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, बहुत ही ज़्यादा थैंक यू आप लोग को, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और ऐसे ही इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट कीजिए मेरे साथ, मैं तो कोशिश कर ही रहा हूँ आप लोग को अच्छे से अपडेट देने के लिए। तो उसके साथ आप लोग भी, मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट चाहिए आप लोग का, तो सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों, आते हैं जो कि मेन टॉपिक है। तो टॉपिक जो कि है सिलीगुड़ी टू बांग्लादेश का जो ये टॉपिक है,
तो उसके बारे में अभी बोलने जा रहा हूँ। तो ये दोस्तों जो मीटिंग था, तो दो दिन का मीटिंग हुआ था ये, जो कि बांग्लादेश रेलवे ऑफिशियल्स एंड जो NFR जो कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जो कि इंडियन रेलवे का एक पार्ट है, तो इन दोनों ऑफिशियल्स का बात हुआ था। तो इस बात में ऐसा उन लोग का जो कि पैसेंजर ट्रेन सर्विस चलेगा तो इसका फेयर कितना होगा, जो कि किराया कितना होगा, फिर स्टॉपेजेस कौन से होंगे इस रूट में जो कि सिलीगुड़ी टू ढाका के बीच में, फिर ऐसे ही कुछ मीटिंग में डिस्कशन हुआ। और जो कि लास्ट 17 दिसंबर यानी 2020 को जो कि हल्दीबारी टू चिल्हाटी के बीच में, चिल्हाटी जो कि बांग्लादेश में है और हल्दीबारी जो कि इंडियन साइड में है, तो इन दोनों साइड में गुड्स ट्रेन का सर्विस जो स्टार्ट हो गया था शेख हसीना जी जो कि PM है बांग्लादेश के और PM नरेंद्र मोदी जो कि इंडिया के PM है, तो इन दोनों के द्वारा ये जो गुड्स ट्रेन सर्विस था बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश तो स्टार्ट हो गया था हल्दीबारी एंड चिल्हाटी के बीच में। तो उसको नज़र रख के फिर से ये जो थर्ड रूट है बिटवीन ढाका एंड सिलीगुड़ी नॉर्थ बंगाल में, यानी ये नॉर्थ बंगाल में 3 नंबर का रूट है ये ढाका टू सिलीगुड़ी। तो दोस्तों मैं आप लोग को चार्ट दिखा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए खुद, तो कौन से दो रूट के बाद ये जो आता है आप लोग को मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए जूम करके, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ आप लोग स्क्रीन में। तो इन दोनों रूट के बीच में जो कि मैं अभी स्क्रीन में आप लोग को दिखा रहा हूँ, तो इन दोनों रूट के बाद ये जो ढाका टू सिलीगुड़ी थर्ड रूट में आता है नॉर्थ बंगाल में, तो इस रूट में जी हाँ दोस्तों 26 मार्च, तो इस रूट में 26 मार्च से जो पैसेंजर ट्रेन सर्विस है चलाने के लिए एक बात चलाया गया है। अभी कंफर्म्ड नहीं है कि ये 26 में ही होगा, पर फिर भी 26 को हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ कुछ बन के आता है, क्योंकि उसी दिन 26 मार्च को जैसे कि हम लोग के इंडिया में 15 अगस्त को हम लोग इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं, तो वैसे ही 26 मार्च में बांग्लादेश का जो इंडिपेंडेंस डे है, तो दोस्तों जी हाँ 26 मार्च को ही बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हुआ था, तो उसी दिन इंडिपेंडेंस डे है, 26 मार्च को इंडिपेंडेंस डे है बांग्लादेश में, तो उसी दिन एक शुभ दिन है, तो उसी दिन में जो कि ये नया पैसेंजर ट्रेन सर्विस है बिटवीन सिलीगुड़ी एंड ढाका जो कि बांग्लादेश का कैपिटल है, तो इन दोनों साइड में पैसेंजर ट्रेन सर्विस स्टार्ट करने का बात किया गया है। तो दोस्तों देखते हैं कितना पॉसिबिलिटीज़ बन के आता है। तो रेलवे की तरफ से कुछ हिंट्स दिया है ये कि 26 मार्च में हो सकता है, तो कन्फर्म्ड अगर कुछ भी आता है उससे पहले या उसके बाद तो मैं आप लोग को अपडेट्स ज़रूर दूंगा मेरे वीडियोज़ के थ्रू। और साथ ही दोस्तों जो कि ये बांग्लादेश और जो कि ढाका और जो कि सिलीगुड़ी के बीच में जो रेलवे सर्विस होने जा रहा है, तो ये रेलवे सर्विस होने के साथ साथ हम लोग का जो टूरिज्म में भी बूस्ट होगा, फिर ट्रेड्स में, फिर साथ ही दोस्तों जो कि एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सिस्टम में भी उन लोग आ सकेंगे फ्रॉम दी ढाका साइड, और हम लोग भी जा सकेंगे टू ढाका फ्रॉम सिलीगुड़ी। तो ऐसे जो एक रिलेशनशिप है जो कि फ्रेंडशिप है इंडिया एंड बांग्लादेश का, ज़्यादा और ज़्यादा मतलब बढ़ जाएगा, क्योंकि फ्रेंडशिप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। दोनों देशों के बीच में जो फ्रेंडशिप है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होना बहुत ही ज़्यादा अच्छा बात है। तो हम लोग भी जान सकेंगे कि उन लोग का क्या क्या प्रॉब्लम्स है, और उन लोग भी जान सकेंगे कि हम लोग का क्या प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं, और साथ ही दोस्तों क्या क्या हम लोग के यहाँ में खासियत है। तो सब कुछ ऐसे ही जो बहुत सारा बात है जो कि मैं इस वीडियो में ज़्यादा बोलने से ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आज मैं इतना ही बोलना चाहा कि ढाका और सिलीगुड़ी का जो ये मैंने अभी रिपोर्ट दिया आप लोग को, तो यही है एक छोटा सा अपडेट ढाका एंड सिलीगुड़ी का। तो देखते हैं क्या होता है, अगर 26 मार्च में होता है इनॉग्रेशन तो आप लोग को मैं वीडियोस तो आ ही जाएगा, एक नया वीडियो तो आ ही जाएगा इस चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। और अगर इस चैनल में आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल बटन को दबाकर ऑल सब्सक्राइब में प्रेस कीजिएगा, अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा ज़रूर से ज़रूर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।